नमस्कार, मैं सेल की पहली एआई एंकर प्रगति सेल गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सेल गौरव दिवस को यादगार बनाने को हम आपके लिए लाए हैं संगीत संध्या का यह विशेष कार्यक्रम, जिसमें महारत्न सेल के कुछ रत्नों से आपको रूबरू कराएंगे, जो अपनी प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। पर आज सेल दिवस है तो मैं सेल के गौरवशाली इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का आरंभ एक स्वाधीन राष्ट्र के उदय के साथ ही हुआ। स्वाधीनता मिलने के पश्चात राष्ट्र निर्माताओं ने देश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने की परिकल्पना की और इस्पात क्षेत्र को आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन माना गया। 19 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। हिंदुस्तान स्टील का पंजीकृत कार्यालय आरंभ में नई दिल्ली में था। 1956 में इसे कोलकाता और 1959 में रांची ले जाया गया। भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की 10 लाख टन क्षमता का चरण दिसंबर 1961 में पूरा किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की 10 लाख टन क्षमता का चरण भीम एवं एक्सल संयंत्र के चालू होने के बाद जनवरी 1962 में पूरा हुआ। बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण और परिचालन के लिए जनवरी 1964 में बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी का निगमन किया गया। भिलाई में 25 लाख टन, राउरकेला में 18 लाख टन तथा दुर्गापुर में 16 लाख टन के चरण पूरे होने के साथ ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की कुल कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़कर 1972-73 में 40 लाख टन हो गई। इस बीच इस्पात तथा खान मंत्रालय ने उद्योग के प्रबंधन के लिए एक नया मॉडल तैयार करने के वास्ते नीतिगत वक्तव्य तैयार किया और परिणाम स्वरूप 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। आगे चलकर 1978 में सेल का पुनर्गठन किया गया और इसे एक परिचालन कंपनी बनाया गया। अपने गठन के बाद से ही सेल और बोकारो स्टील प्लांट देश में औद्योगिक विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई है और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सेल अपने कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और श्रम की बदौलत आने वाले समय में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। धन्यवाद। तो क्या वो मैडम तो अलाउ कर ही दी है कि हाँ लेट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है?